आम लोगों को भारत की आज़ादी के महत्वपूर्ण पहलुओं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मनोरंजक तरीके से जानकारी देने के लिए ऐप जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन मोबाइल गेम्स आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत भी शामिल हैं। वहीं देश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में पत्र सूचना कार्यालय PIB और केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC रायपुर द्वारा आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता सह संगोष्ठी आयोजित की गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए PIB रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव ने कहा कि आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म से हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऑनलाइन गेम्स से आज़ादी के नायकों की अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सकेगी। प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज़ादी क्वेस्ट के रूप में एक ऑनलाइन गेमिंग का विकास किया गया है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे इस आज़ादी के जो हमारे नायक रहे हैं, हीरो रहे हैं, उनको समझें गेमिंग के माध्यम से। इसी के लिए दो ऐप डेवलप किए गए हैं। इन ऐप्स के माध्यम से आप जब अगर जाएंगे तो उसमें गेम जो ऑनलाइन गेमिंग के लोग हैं, कार्ड मिलेंगे, आप बढ़ते जाएंगे आगे, तो निरंतर इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रचार प्रसार हो, इसी के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जगह जगह कॉलेजों से हम जुड़ रहे हैं और जगह जगह हर शहरों में छोटे छोटे कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इस तरह की गेमिंग जो आज़ादी फेस्ट है इससे जुड़े। और इसके अलावा पोषण का कार्यक्रम जो चलेगा ये भी कि ये पोषण का माह पूरा सितंबर माह तक चलेगा, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं विशेषकर, और 0 से 6 साल तक के बच्चे और किशोरी लड़कियां, इनका कैसे हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उन्हीं को बेहतर तरीके से सजो करके उनको उनकी सेहत पर जिससे अच्छा सुधार हो, इसके लिए प्रचार प्रसार का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है जो महीने भर तक पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में हम लोग मिलकर के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो चलाएं। संगोष्ठी में स्थानीय मीडिया कर्मियों के अलावा केंद्रीय संचार ब्यूरो के फील्ड अधिकारी और गीत तथा नाटक प्रभाग के लोक कलाकार शामिल हुए।